दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्रा डिवाइस को कंप्यूटर पे चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो या फिर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 आपके पास है तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो मंत्रा डिवाइस इंस्टॉल तो हो जाता है, कैप्चर टेस्ट भी बहुत लोग कर जाता है, लेकिन जब हम पोर्टल पे से यूज कर जाते हैं तो वहां पे वो रेडी शो ही नहीं करता, ना ही हमारा डिवाइस ब्लिंक करता है, यानी इंस्टॉल होने के बाद भी मंत्रा डिवाइस सक्सेसफुली वर्क हमारे कंप्यूटर पे नहीं करता है। तो आज हम जानेंगे क्या क्या कारण है नहीं करने का और इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल किस प्रकार से और क्या क्या चीज को ध्यान रखते हुए करेंगे ताकि हम तो इंस्टॉल करने का सक्सेसफुली कैप्चर तो कर लेंगे लेकिन पोर्टल पर भी सक्सेसफुली काम कर जाए हमारा मंत्रा डिवाइस। तो अगर आपके पास मंत्रा डिवाइस है उसे चाहते हैं अपने कंप्यूटर इंस्टॉल करना, चाहे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हो विंडोज 7, 8, 10 या फिर लेटेस्ट वर्जन 11 किस प्रकार से इंस्टॉल कर पाएंगे, इस वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिए, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मंत्रा डिवाइस को डाउनलोड इंस्टॉल से पहले कुछ बेसिक सी बातें जो आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके कंप्यूटर पहले से कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, चाहे वो FM22 का हो या फिर मोर्फो ETC हो या फिर खुद मंत्रा का ही हो, उसे कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर लो। देखो एक साथ एक से ज्यादा स्क्रीन आप यूज कर सकते हो लेकिन आपको मंत्रा में तो इशू नहीं आएगी, लेकिन मोर्फो डिवाइस को मंत्रा इंस्टॉल होने पे इशू देता है, वर्क नहीं करता। मैं कहूँ किसी एक PC में एक ही सॉफ्टवेयर को, एक ही फिंगर डिवाइस का यूज आप करें। एंड सेकेंड बात कि आप हमेशा चेक करो चाहे मोर्फो को या मंत्रा, आपका डिवाइस को टाइम होता है ना डेट एंड टाइम, वो हमेशा जो टाइम जोन होता है वो आपको सारे 5 GMT चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली होनी चाहिए और इसे ऑटोमेटिकली अपडेट करके याद से एक बार जरूर चेक कर ले, क्योंकि टाइम अगर आपका गलत रहे या फिर जो करंट टाइम चल रहा है वो नहीं होने पे क्या होता है कि आपका वहां पर भी इशू मारता है। तो टाइम को मिला ले, जो भी सॉफ्टवेयर है पहले से इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दे एंड सी ड्राइव में जाकर उसके पहले से इंस्टॉल जो भी इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसे वहां से जाके अनइंस्टॉल या फिर डिलीट कर दे सी ड्राइव में मंत्रा मोर्फो जैसे बना हुआ पहले से अगर सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। तो ये सारे प्रोसेस आप अगर कर लोगे उसके बाद जाना है आपको अपने क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर और सर्च करना है मंत्रा RD सर्विस, या जैसे मार के इंटर मारेंगे। ख्याल रखना बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पहला साइट पे जाएंगे download.mantra और यहाँ पे जो कैप्चा या कोड मांगा जा रहा है उसे हम फिल करके वेबसाइट के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे इतने सारे ड्राइवर्स हैं, हम किसको इंस्टॉल करें, कौन से हमारे काम की है, सारे कर ले कि कोई एक कर ले। तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियरिफाई कर दूँ, आप अगर इसके बारे में पहले जानते हो तो भी और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी, आपके दोनों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हमें 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आप देखोगे सबके सामने विंडोज डाउनलोड, विंडोज डाउनलोड, विंडोज डाउनलोड, विंडोज डाउनलोड, एंड्रॉइड डाउनलोड, एंड्रॉइड डाउनलोड। तो यहाँ समझिए कि ये एंड्रॉइड के लिए, चलो इसे हटा दें, बाकी सारे विंडोज के लिए दिख रहे हैं। तो अगर आप नोट करोगे विंडोज डाउनलोड तो यहाँ पे MFS100RD है, तो ये हमारे लिए काम के है। देखो ये है, एक होता है RD सर्विस जो डिटेक्ट करता है और एक होता है सॉफ्टवेयर जो डिवाइस उस पर रन करता है। तो हमें 2 सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ पे। तो पहला जो यहाँ पे विंडोज MFS100 इसे हम यूज करेंगे, दूसरा जो यहाँ पे देखो विंडोज डाउनलोड MFS ड्राइवर, विंडोज RD सर्विस एंड विंडोज ड्राइवर MF100 का यहाँ पे कर लेंगे। नीचे अगर आप देखोगे तो विंडोज डाउनलोड MIS है, तो ये मंत्रा आयरिस है, आई स्कैनर जो होती है उसके लिए है ये। आयरिस को कैसे स्टोर किया था मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बजाय बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसका लिंक या इंडेक्स देखने मिल जाए या मैं सेपरेट वीडियो उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे विंडो डाउनलोड फॉर MIS के लिए बस वही चीज़ है, 2 सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, MIS ड्राइवर और MIS RD सर्विस। बाकी जो क्लाइंट वगैरह ये सब का हमको MFS ये सब का यूज नहीं करना है और ये मोबाइल फोन के लिए, तो इसे हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। और नीचे MID ETC ये अदर ड्राइवर, तो इन सबको हम छोड़ देंगे, ऊपर का टॉप 2 को लेंगे। यहाँ पे न्यू दिख रहा है 1.0 पर क्लिक करेंगे और 9.11.0 अब इसे क्लिक करेंगे, हमारा ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको, ये इंस्टॉल होने का कुछ लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं कि उसका ड्राइवर सक्सेसफुली उसके PC पे इंस्टॉल नहीं होता है। यहाँ पे आपको पहले किसको इंस्टॉल करना है, बाद में किसको इंस्टॉल करना है, ये चीज की जानकारी में आपको भी यहाँ पे मिस कर देते हो और आपका ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद भी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MFS100 ड्राइवर 9.110 और मंत्रा RD 1.0.0, दोनों को साइज की बात करें यहाँ पे देखेंगे साइज, तो एक का साइज 4.50 MB 4.5 MB की और दूसरा आपको देखेंगे तो यहाँ पर वो सारे 21 MB की है। तो पहले मंत्रा RD सर्विस जो डिवाइस डिटेक्ट करता हम उसे इंस्टॉल करें, यानी कि छोटे साइज वाले को इंस्टॉल करेंगे 1.0.3 जो कम का है, उसके बाद जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए
फिर हम ये बड़े वाले को इंस्टॉल करें जो 9.1.1.0 है, दोनों लेटेस्ट वन का यूज करेंगे। आपको इस स्पेशल वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अब पहले छोटे वाले को रन एडमिनिस्ट्रेटर करके हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिनट लगेगा दोनों को इंस्टॉल करने में, फटाक पहले तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़े दूसरे वाले जो थे थोड़े टाइम ले। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आपका विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको नेट फार्मवर्क रिक्वायर करके एक एरर मार देगा। बहुत कम पीसी में मारे विंडोज 7 या उसके कम के विंडोज 7 ही पे जाकर मारता है, विंडोज 8 10 या 11 पे ऐसा एरर आपको देखने को नहीं मिल जाए। नेट फार्मवर्क के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे मैंने एक ड्राइवर लिंक दे दिया हूँ, उसको विंडोज 7 के लिए स्पेशली नेट फार्मवर्क है, उसे आप इंस्टॉल करके देखें, उसका ट्राई करें, आपका ले लें। अगर एरर मार रहा है तो इसमें से 90% लोगों को एरर नहीं मारेगा, 10% लोगों को मार सकता है, तो आप ये भी देख लेना इंस्टॉलेशन करते वक्त। हम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार दिख जाएगा, आपका सीरियल नंबर दिखेगा, इंस्टॉलाइज अनइंस्टॉलाइज दिखेगा, एंड यहाँ पे आपका जो भी चीज है वो टाइटल दिखेगा। यहाँ पे स्टार्ट कैप चेक करेंगे ना, तो आप जैसे थंब रखोगे तो आपका थंब ले लेगा लाइट ब्लिंक करने के बाद, स्टार्ट कैप टाइप कैप करने के बाद, और आप थंब रखो थंब आपका आ जाएगा, बस शो इजिली कर जाए। लेकिन ये फाइनल सक्सेस डिवाइस आपके कनेक्ट हो गया इसका सबूत नहीं है, इससे नहीं पता चलता कि आपका डिवाइस वर्क करने के रेडी, अभी भी आपका डिवाइस अधूरा है। अब क्या करना है, दोनों स्टोरेज का सारे प्रोसेस चेक करना है आपको, उसके आपको डिवाइस को अगर पहले से प्लग है तो निकालना है, और अगर अनप्लग है तो आपको डिवाइस को एक बार लगाना है अपने कंप्यूटर के साथ। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कि इन सारे प्रोसेस के बीच आपके इंटरनेट एक्टिव कनेक्शन होनी चाहिए, एंड आपका जो डिवाइस है और टाइम जो है वो सब कुछ सही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एरर यहाँ पे आएगा, शो ही नहीं करेगा। तो जैसे ही आप डिवाइस को निकालोगे डिवाइस रिमूव मारेगा, एंड डिवाइस को जैसे आप निकाल दिया आपका डिवाइस रिमूव दिखाएगा इस प्रकार से, और जैसे फिर से आप डिवाइस को अटैच करोगे तो यहाँ पर डिवाइस अटैच दिखा, उसके बाद दिखाया प्लीज वेट वी आर कन्वर्टिंग योर पब्लिक डिवाइस टू रजिस्टर्ड डिवाइस, क्या दिखाएगा यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्ट प्लीज अनप्लग एंड रिप्लग। आपको फिर से एक बार निकालना अपने डिवाइस को और फिर से अपने कंप्यूटर में मंत्रा डिवाइस को इंसर्ट करना, जैसे इंसर्ट करो डिवाइस रिमूव होगा निकालने के बाद, फिर इंसर्ट करोगे फिर डिवाइस अटैच दिखेगा, फिर आपको वेट करना है थोड़ा सा, एंड बूम फार्मवर्क इज रेडी टू यूज। अब रेडी टू यूज हो गया, अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका मतलब डिवाइस एकदम रन करने को तैयार है। हाँ, 90% आपका डिवाइस रन करने के लिए आपके कंप्यूटर के साथ जो उनका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया आपका, अगर लगाने के बाद डिवाइस रेडी टू यूज आ रहा है। अब आपको अपने ब्राउजर का सेटिंग करना, ब्राउजर सेटिंग का कोई हार्ड काम नहीं, आपको सिंपली क्रोम यूज करे, क्रोम एंड मोजिला यूज करे तो मोजिला, मैं क्रोम को बता दूंगा मोजिला कैसे सेटअप करना है, मोजिला ब्राउजर का सेटिंग उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर इन डिस्क्रिप्शन देखें, वहां पे आपको वो वीडियो देखने मिल जाएगा मोजिला को सेटअप कैसे करना है इसके। अब क्या करना, आपको विंडोज अपने क्रोम पे आना और कंट्रोल एच दबाना है, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री को एच को यहाँ से कट कर लेना और लिखना FLAGS फ्लैक्स, मारना एंटर, जिस एंटर मारोगे यहाँ पे ऊपर सर्च करने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप करना CERT और पहला ऑप्शन आएगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर लोकल होस्ट, इसे इनेबल कर लेना अगर आपका डिसेबल है तो, इनेबल कर रिलॉन्च कर लेना, बस हो गया आपका मंत्रा डिवाइस सारे पोर्टल पे चलने के लिए रेडी है 99.9%। अब देखो यहाँ पे मोरपो वाली बात नहीं है कि फिनो पे वर्क करेगा तो डीजीपे भी नहीं करेगा, डीजीपे भी करेगा सीएससी यूटीआई भी नहीं करेगा, यहाँ पे मंत्रा इंस्टॉल हो गया आपका टोटल जितना पोर्टल है सब पे यूज करें आप बिना कोई स्पेशल सेटिंग के, बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, आपका ब्राउजर का सेटअप सही है, मंत्रा डिवाइस चलने के लिए नहीं दौड़ने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, मोरफो के मुकाबले मंत्रा सस्ता पड़ता है, इसकी कैप्चर क्षमता मोरफो के मुकाबले अच्छी है, लेकिन मोस्ट ऑफ पब्लिक मैंने इशू देखा है मंत्रा में एरर कोड 6 लाइट जलता रह जाता है, थंब रखो नहीं लेता है, ये अब पता नहीं ये इशूज जो है ये कंपनी खुद इशू करती ज्यादा डिवाइस सेल होने के लिए या फिर इनके हार्डवेयर इशू है, लेकिन डिवाइस मंत्रा बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन हाँ यूज करने के लिए बेस्ट डिवाइस है मंत्रा, मोरफो के मुकाबले कैप्चर के लिए बात करो या फिर इजी टू इंस्टॉल के लिए बात करो, तो ये प्रोसेस है मंत्रा डिवाइस को कैसे आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मोजिला पे आपको चलाना है मंत्रा डिवाइस को तो इसके लिए वो वीडियो जरूर चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन या इन डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही करता हूँ, वीडियो देखने में आपका पास मंत्रा डिवाइस रिलेटेड इशूज होगी वो आपको पीसी में इंस्टॉल होने को दिक्कत आ रहा होगा तो वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया होगा, तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर, वीडियो को सुझाव आपकी राय प्रॉब्लम पड़ता भी बनी हुई तो कमेंट कर जरूर अपना रिप्लाई दे, एंड चाहे नए या फिर पेड स्टूडेंट की रिक्वायर आपको जो आपसे खुश है नहीं और आप बाय एनी डेस्क तो अपनी डिस्क्रिप्शन चेक करते हो वहाँ पे व्हाट्सएप चैट नंबर आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल सिम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।